दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 2 को। याद रखेगा बहुत आप सबकी डिमांड थी कि सर प्लीज जल्दी से इंडियन ज्योग्राफी को कवर करें, तो मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि विद इन मंथ दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। तो जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, आज का लेक्चर नंबर 2 है। अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्थिति में ये देखने वाले हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कि स्टैटिक जीके को मैंने जोड़कर ज्योग्राफी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए कि कौन कौन सा स्टेट है, उसकी राजधानी क्या है और वहां पर बहुत सारी करंट की चीजों को भी जोड़ के चल रहा हूं। देखिए ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें परीक्षा में अच्छे नंबर पाने और उसके लिए जरूरी है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये आपको समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लीक से हटकर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब आप सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ें तो सिर्फ आपका माइंड भूगोल पर ही हो, ऐसा नहीं है। आपको भूगोल में राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ना सीखिए, कैसे स्टैटिक जीको को हम जोड़कर चलते हैं, कैसे वहां से करंट को जोड़कर चलते हैं, यही चीजें आज हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मोटी मोटा हिसाब देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे इस स्टडी 91 चैनल पर सभी विषयों को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप घर बैठे निःशुल्क रूप से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में पास भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आज अपनी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है, जितने भी हैं। तो अभी राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28। और इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर एक झटके में आपने किसी से पूछा तो ज्यादातर लोग 29 राज्य करेंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी तो पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो दो हिस्से में बांट दिया गया, वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, ठीक है। तो ऐसे में राज्यों की संख्या एक कम हो गई, तो 29 से घटकर अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28। और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 हुआ करते थे, अब उसमें 2 आकर जुड़ गए, तो अब कितना हो गया है, 9। तो याद रखिएगा लेटेस्ट डेटा कि राज्यों की संख्या कितनी, तो 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, तो याद रखिए 9 है। एक और याद रखिए चीज यहां पर कि कब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो यह डेट कब है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में मान्यता दे दी गई। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, आपने नाम सुना होगा दादरा नगर हवेली का और दमन दीव का। दोस्तों अभी तक तो ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि इन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो फिर से आपकी जो संख्या 9 है ना, ये घटकर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो। ये तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ऐसा प्रस्ताव आने वाला है, तो आप सभी चीजों को देखा करिए और पढ़ते रहा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला स्टेट मैंने लिया यहां पर हिमाचल प्रदेश, एक एक लेकर चलते हैं और सबके बारे में बताता हूं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखें 25 जून 1971, आप यहां पे याद रखेंगे। राजधानी कहां पर है, शिमला, और एक और राजधानी यहां पर है धर्मशाला, याद रखेगा, ठीक है, धर्मशाला और शिमला दोनों याद रखेगा। यहां पर एक सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल, ठीक है, तो याद रखेगा भाखड़ा नांगल, दो अलग अलग बांध है, भाखड़ा अलग है नांगल अलग है, मैंने बताया है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई है 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। रोहतांग दर्रे का नाम सुना होगा, ठीक है, रोहतांग दर्रा कहां पर है, जल्दी से बताइए, मनाली के पास में है, मनाली, कुल्लू मनाली का नाम सुना ना, बस उसके पास में है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से लेह जाने का मार्ग है, लेह लद्दाख, ठीक है, वहां जाने का मार्ग है। और ये पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है, ये पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। और एक चीज और यहां पर करंट याद रखिए, रोहतांग दर्रे का नाम, यहां पर एक सुरंग, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया, अटल टनल रख दिया गया, क्या रखा गया है, अटल टनल, यहां पर जो सुरंग है उसका नाम बदल करके अटल टनल रख दिया गया, ठीक है। एक और दर्रा दोस्तों हिमाचल में, सिपकिला दर्रा, कौन सा, सिपकिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है और ये शिमला और तिब्बत को जाने का मार्ग बनाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा शिमला और तिब्बत जाने का मार्ग बनता है यहां से, सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में, ठीक है। बाड़ालाचा दर्रा, ये दोस्तों लेह से मंडी को जोड़ता है, वहां जाने का मार्ग देता है, ठीक है, लेह से मंडी के लिए बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा बड़ा काम कर रहा है, लेह से मंडी को जोड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए पंजाब,
इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर। ज्यादातर राज्यों में आपने देखेंगे कि 1 नवंबर को स्थापना हुई। फिलहाल 1966 याद रखिए, पंजाब की स्थापना 1966 में। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। और देखिए यहां पर क्या दे रहा है, सतलज, सतलज नदी है यहां पर। सतलज और ब्यास नदी पर हरि के बैराज बनाया गया है पंजाब में, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, आप सभी यहां से वाकिफ होंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 1809 में, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह आपने नाम सुना होगा, उस समय में उन्होंने अमृतसर की संधि किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हरियाणा की बात कर रहा है। हरियाणा दोस्तों इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 की हुई है। देखिए यहां पर हरियाणा और यहां पर पंजाब दोनों सेम डेट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध मैदान है पानीपत, ठीक है। तो पानीपत की लड़ाई यहां पर हुई है। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और बाबर के बीच में लड़ा गया था। वो लड़ाई यहीं पर हुई है 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई हुई है 1556 ईस्वी में अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में, अभी मूवी भी आई हुई है पानीपत तृतीय, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 लड़ाइयां आपको याद रखना है और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। आगे देखिए छत्तीसगढ़। अब देखिए कभी कभी आपको सीक्वेंस दे देता है, सन 2000 में 3 अलग अलग राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड, आपको क्रम कभी कभी लगाने के लिए दे देता है कौन सा राज्य कब बना। तो याद रखिए 36 उत्तर झार, एक आप फार्मूला थोड़ा सा याद करके रखिए, 36 उत्तर झार, आप इतनी बात याद रखिए तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। यानी पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो छत्तीसगढ़ कब है दोस्तों, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को क्या है, छत्तीसगढ़ है। और देखिए उत्तराखंड बाद में बना है, और सबसे लास्ट में जो है झारखंड बना 15 को, उत्तराखंड वाला 9 को आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए 1915 छत्तीस उत्तर झार। अब देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात आ रही है तो इसकी राजधानी कहां पर है, रायपुर। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, राजधानी कहां पर है, रायपुर है। और यहीं पर दोस्तों एक जगह है अंबिकापुर, वहां पर गार्बेज कैफे खोला गया। करंट से जोड़कर क्वेश्चन बता रहा हूं, गार्बेज कैफे खोला गया, याद रखिएगा। गार्बेज कैफे में कोई व्यक्ति अगर कूड़ा लेकर जाता है तो उसके बदले में उसे खाना दिया जाएगा, मुफ्त का खाना दिया जाएगा, ठीक है। झारखंड दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बना, किसको काट करके, तो याद रखिए बिहार से कुछ जिलों को अलग करके झारखंड को बनाया गया। रांची इसकी क्या है, राजधानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड, ये 9 नवंबर सन 2000 में बना। देहरादून इसकी राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है, देहरादून है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके जिम कार्बेट रखा गया था, ठीक है। आगे दे रहा है इसमें अब गैंडों को भी रखा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। अभी तक एक सिंह वाले जो गैंडे थे उनको कहां रखा जाता था, काजीरंगा अभयारण्य था, राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में, वहां पर रहते थे, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है। आगे दे रहा है राजस्थान। दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति में मैं आपको खाली ये बताता, केवल ये बताता कि ये राज्य है, ये राजधानी है, राज्य राजधानी है, राज्य राजधानी, तो कॉमन सी बात हो जाती। और यहां पर मैं सोचा कि चलो अगर इतना बताना तो थोड़ा सा कुछ और फैक्ट उसमें डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ तो आपका फायदा हो जाए, कुछ तो आपका रिविजन हो जाए, तो समझो बहुत अच्छी चीज है। राजधानी कहां पर है, जयपुर में। और भी हाल ही में दोस्तों 2019 में इसी जुलाई महीने की घटना है, यूनेस्को ने जयपुर को अपनी विश्व विरासत स्थल वाली सूची में शामिल किया। और इस तरह से अब भारत में 38 ऐसे स्थल हो चुके हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जा चुके हैं। पहले 37 थे, अब ये 38 हो चुके हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नहीं, बिल्कुल अच्छा है, तो याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर चंबल नदी गुजर रही है, मध्य प्रदेश से निकल जाती है चंबल नदी, ठीक है, मऊ के पास से। और ये चंबल नदी जब राजस्थान के पास जाती है ना, कोटा, आपने नाम सुना होगा, कोटा के पास से जाती है। तो यहां पर 2 सागर भी बनाए गए, बांध बनाए गए, एक है बाहर सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर। महात्मा गांधी वाला भी इसी पे बना हुआ, लेकिन वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार का मरुस्थल कहां पर है, वो भी जयपुर में, मतलब यहां राजस्थान में है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूरे भारत में कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान है। सरिस्का बाघ अभयारण्य, रणथंभौर, ये सब यहीं पर है। केवलादेव पक्षी विहार, ये भी यहीं पर है। माउंट आबू दोस्तों यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबसे
प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका दो नाम है, एक है माउंट आबू, दूसरा नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, सफेद संगमरमर से निर्मित दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आगे दे रहा है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, वो भी कहां पर? राजस्थान में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील, वो भी यहीं पर है। ठीक है, बाकी तो आप इसके विषय में बहुत कुछ जानते होंगे, याद रखिए। ठीक है, अजमेर में दोस्तों आपने नाम सुना होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पुष्कर का नाम सुना होगा, पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है। हालांकि भारत में कई जगह पर ऐसा सुनने को मिला कि वहां भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, बट यहां पर सबसे बड़ा मंदिर है और पुष्कर का मेला भी लगता है। पुष्कर नामक झील भी यहां पर है, सब याद रखिए। ठीक है, उदयपुर को दोस्तों झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है, लेक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, सब याद रखिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी यहां पर गलत दे रहा दोस्तों, 24 जनवरी होगा, देखिए बाय मिस्टेक यहां पर हो गया है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस को मनाता है। ठीक है, याद रखें लखनऊ इसकी राजधानी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म पूरे भारत में कहां पर है? गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर में है। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा एक दो और याद रखिए, अभी हाथी अस्पताल एक खुला है, ठीक है, आपने कहां देखा? मथुरा में। और इसके अलावा गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया महाराजगंज में। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इनको भी आप साथ में सुनते जाइए, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। आगे देखिए, बिहार 1 अप्रैल को बिहार की स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है, और पटना इसकी राजधानी है। पटना में दोस्तों दो अच्छे काम हो रहे हैं, एक गंगा डॉल्फिन सेंटर बनाया जा रहा है, आपको याद होगा, और दूसरा है देश का पहला खादी माल, वो भी कहां बना है? पटना में बना, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय, ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखिए, कहां पर? नालंदा में, जिसको कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? जलाकर नष्ट कर दिया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम में। शेरशाह सूरी की लड़ाई हुमायूं के साथ हुई थी, आपने नाम सुना होगा, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हर जगह से आप जोड़ते चले, और बोलने को देखो बहुत कुछ है, जैसे बिहार के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ वहां पर। जैसे अभी पटना के बारे में बोलना शुरू, पटन देवी के नाम पर पटना रखा गया है, पटना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसके ठीक थोड़ी देर पे दोस्तों मगध राजवंश हुआ करता था, मगध के बारे में बता दीजिए, मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, ठीक है, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीत समिति हुई थी, बहुत कुछ है। लेकिन अब है, जितनी चीजें बता दी जाए उतना काफी है। आगे गुजरात 1 मई को गुजरात की स्थापना हुई 1960 में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी। अहमदाबाद मत किया करें, कई लोग गलती से अहमदाबाद बोल देते हैं, ठीक है, हां अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। यह गांधीनगर है, कारण नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना है वो यहीं पर बनाई गई है गुजरात में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पूरे भारत में कच्छ का रण, वो भी यहीं पर है, दूसरे नंबर पर ले वाला है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा समुद्री सीमा जो है गुजरात की है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया में था, बट अब अभी बन रहा है, अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ, तो अहमदाबाद में बन रहा है, लगभग 1,04,000 समथिंग लोग बैठने वाले वहां पर, तो इतना बड़ा स्टेडियम वहां पे बन रहा है। बाकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसको क्या नाम दिया जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, 182 मीटर की प्रतिमा है, ये भी गुजरात में बनी हुई है। और भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी ये कहां खुली है? तो आपको पता होगा बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी खुली है, ये गुजरात की कहानी है। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, ठीक है, महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को बनाया गया था, तो याद रखिएगा। मुंबई इसकी राजधानी, महाराष्ट्र की लोनार झील का नाम सुना होगा, ठीक है, इसको ज्वालामुखी झील भी बोलते हैं, या उसके उद्गार के बाद जो उसका मुख होता है उसमें झील बनी हुई है। बाकी दर्रा यहां पर थाल घाट और भोर घाट, ठीक है, कोयना नदी पर दोस्तों कोयना बात परियोजना है, और भी बहुत कुछ है यहां पर। ठीक है, जैसे मैं चला जाऊंगा नासिक में दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आपने सुना होगा। बाकी अजंता एलोरा की गुफाएं सुना
सुना होगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्तकालीन शासकों के द्वारा कराया गया और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा, जल्दी बताइए, एलोरा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। अब बाकी एलिफेंटा वाला भी गुफाएं हैं जहां पर बौद्ध और शैव से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, भोपाल इसकी राजधानी है। इस समय सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसे दिया जाता है, भोपाल को, और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, इसके ठीक बगल में इंदौर, वो सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों भेड़ाघाट यहां पर धुआंधार जलप्रपात है, याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना यहीं पर है, ठीक है, बाकी महाराणा प्रताप और जवाहर परियोजना वो जो है राजस्थान में थी, इसी पर नर्मदा नदी पर दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना चल रही है, तो इनको भी थोड़ा आप याद रखें। बाकी ज्योग्राफी में भी आएंगे तो एक एक परियोजना के बारे में, पूरे भारत में जितनी परियोजना होगी उसके बारे में तो आपको पढ़ाऊंगा, बट आज हम भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम चीजें आपको लेके चल रहे हैं जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इन्वायरमेंट, हर चीज को ला के इंक्लूड कर रहे हैं कि आप देखते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटक 1956 में बना था, बेंगलुरु इसकी राजधानी है, कुचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, बाकी महात्मा गांधी और जो गरसप्पा को कहा जाता है वो सरावती नदी पर बनता है, और कुचिकल जो है वराही नदी पर, ठीक है, कई जगह पर इसको सबसे ऊंचा कहा गया, कई जगह पर जो है महात्मा गांधी वाले को सबसे ऊंचा माना जाता है। बाकी बादीपुर जो अभयारण्य है वो कर्नाटक में है, कई बार प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए केरल, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ठीक है, केरल की राजधानी है, और प्राइवेट क्षेत्र में मातृत्व अवकाश देने वाला ये पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लागू किया। पालघाट धर यहीं पर है, भोरघाट, थार घाट वो कहां पर था, वो आपके महाराष्ट्र में था, पालघाट यहां पर है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति जो जटायु की है वो यहीं पर बनी हुई है। बाकी पेरियार अभयारण्य का नाम, पेरियार नदी का नाम भी सुना होगा, कार्डेमम की पहाड़ियों का नाम सुना होगा, ठीक है, इन सब में भी जो है ये आगे है, ठीक है। बाकी मसालों के उत्पादन में भी केरल का पहला स्थान है, और इसके अलावा रबड़ की खेती में केरल का पहला स्थान है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु दोस्तों ये भी 1956 में बना, चेन्नई इसकी राजधानी है, और मीनाक्षी का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखिए पांडे शासकों के द्वारा बनवाया गया, कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है ये, ठीक है, तमिलनाडु। आगे देखिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है, अमरावती है, ठीक है, हालांकि अभी अमरावती को डेवलप किया जा रहा है, हैदराबाद यहां पर था, हैदराबाद चार मीनार के वजह से जाना जाता है, चार मीनार यहाँ का बहुत फेमस है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है, याद रखिएगा, और सालार जंग का संग्रहालय कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है, हुसैन सागर झील यहाँ पर है। देश का 25वां हाईकोर्ट वो कहाँ पर बना है, तो ये आंध्र प्रदेश में बना है, और जस्टिस सिटी किसको कहा जाता है, तो अमरावती को जस्टिस सिटी भी कहा जाता है, तो ये सब भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना को बनाया गया, कब, तो याद रखिए 2014 में 24 जून को, ठीक है। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा, यह आपके हैदराबाद यानी तेलंगाना में चल रही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो याद रखिए कलकत्ता इसकी राजधानी है, 1956 में बना था, सुंदरवन का डेल्टा बड़ा फेमस है, सुंदरी के वृक्ष के कारण सुंदरवन का डेल्टा बड़ा फेमस है, गंगा को जो है पद्मा यहां पर कहा जाता है, दामोदर नदी यहां की फेमस नदी है, और उसकी वजह से यहां पर बाढ़ भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। उसी तरह से बिहार का शोक किसे कहा जाता है, नदी को कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, सब याद रखिए, जिसके वजह से बाढ़ आता है तो फिर उसे कहा जाता है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 1971 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, राजधानी गंगटोक है, और सिक्किम जो एक तरफ तीन देशों की सीमाओं को छूता है, नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी पाकयोंग एयरपोर्ट, ठीक है, यह सबसे लास्ट में बना, वहां का पहला एयरपोर्ट है और आखिरी टाइम अभी यही एयरपोर्ट बना है भारत में, ठीक है। कंचनजंगा, अभी कंचनजंगा को दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, अभी तक हमारे पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने थे, 18 थे, जिसमें से यूनेस्को के नेटवर्क चेन में केवल 10 शामिल थे, अभी 11वें नंबर पर कंचनजंगा को भी शामिल कर लिया गया। बाकी चोलामू झील जो है यह कहां पर है दोस्तों, यहीं पर सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी यहां पर है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। जैविक खेती के लिए दोस्तों यह राज्य बड़ा फेमस है, इसको भी याद, ठीक है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और कोणार्क मंदिर यहां पर है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, फेमस है, आपको पता होगा। चिल्का झील है यहां पर उड़ीसा में, बाकी भीतरकनिका, नंदनकानन, ये सब राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो याद रखिएगा, ठीक है।
आगे देना दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर की बहनों एवं केंद्र के शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अरुणाचल की बात करूं तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है कीबीथू, वो यहीं पर है 97° 25' पर। ठीक है, तो याद रखे ईटानगर इसकी राजधानी है, बोमडिला दर्रा यहां पर है, याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। असम के बारे में दोस्तों, असम की राजधानी है दिसपुर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यहां पर है, मानस बाघ परियोजना भी यहां पर है, कामाख्या मंदिर यहां पर है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है नीलांचल, जबकि नीलगिरी पर्वत कहां पर है वो तमिलनाडु में, नीलांचल पर्वत यहां पर है। ठीक है, आगे देखिए नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कहां पर है, कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हॉर्नबिल उत्सव यहां मनाया जाता है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और यहां के लोग, यहां की राजकीय भाषा याद रखेगा इंग्लिश, इंग्लिश याद रखे, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहां की राजकीय भाषा इंग्लिश है, तो याद रखिए कॉमन लोग इंग्लिश वहां बोलते हैं नागालैंड में। ठीक है, वहां के लोग कुत्ते भी खाते हैं, ये भी याद रखिए। आगे देखिए मेघालय की बात करें, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां यहां पर हैं, शिलांग इसकी राजधानी है और मासिनराम चेरापूंजी जो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वो यहीं पर स्थित है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी कहां पर है, इम्फाल है, लोकटक झील है, दुनिया में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, याद रखिएगा यहीं पर है केबुल लामजाओ। ठीक है, और लोकटक झील भी याद रखिएगा, तुजू दर्रा कहां पर है, यहीं पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। मिजोरम की बात करें, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, दंफा अभयारण्य खूब परीक्षा में पूछता है, दंफा अभयारण्य कहां पर, यहीं पर है, कालादान नदी भी यहीं पर है, और दूसरा सबसे साक्षर राज्य मिजोरम है, पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम त्रिपुरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जरा थोड़ा सा बता देता हूँ, नई दिल्ली जो है राजधानी तो वैसे भी नई दिल्ली है, पुदुचेरी दोस्तों 1954 में बना था और चंडीगढ़ 1966, लक्षद्वीप 56 में, कवरत्ती राजधानी है, दादरा नगर हवेली अभी सिलवासा राजधानी, दमन दीव की दमन राजधानी, दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की बात की जा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर है। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में देख लीजिए, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, याद रखिए श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है, आर्टिकल 370 में चेंजिंग किया गया और फिर 5 अक्टूबर 2019 को इस चीज को समाप्त करके 31 अक्टूबर को नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो याद रखिए उसमें से जो जम्मू कश्मीर है उसके पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जैसे खारे पानी की झील सांभर झील थी और राजस्थान में थी, उसी तरह से मीठे पानी की झील जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और दे रहा है बहुउद्देशी परियोजना है सलाल बगल दुलहस्ती, ये यहां की जो है परियोजना है। ठीक है, और किशन गंगा भी है, याद रखेगा ये भी इंपॉर्टेंट, शालीमार बाग है, डल झील है। ठीक है, तो इसके वजह से जाना जाता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर है, ठीक है, जबकि उसके मुर्मू, ठीक है, तो दोनों याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आज मुझे एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराना था राज्यों के बारे में, तो मैंने सोचा यार कि चलो कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए जाते हैं, तो अभी तक आपने रिप्लाई नहीं दिया मुझे अच्छे से, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जाए, आपका मन है नहीं है। भाई देखो, अगर आप पढ़ना चाहोगे तब तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, और फिर नहीं पढ़ना चाहोगे, अगर आपको चाहिए कि सर विद इन मंथ आप कंप्लीट कराइए स्पीड में तेजी से और एक भी फैक्ट छूटने ना पाए, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, बस आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, आपको बिलीव है ना कि नितिन सर कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, तो आप इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए, पूरी की पूरी टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, बस आप ध्यान दीजिए और कमेंट करके बताइए तो हमें भी तो लगे कि हाँ आपको जरूरत है और हमें ये चीजें शुरू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन है, ये शेयर वाली बटन है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, वहां पर जाकर आप चीजों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या कोचिंग का फी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनके तक ये वीडियो जाए ताकि वो भी पढ़ाई लिखाई कर सके, ऐसे में क्या होगा देश आगे बढ़ेगा यार, है कि नहीं, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए, आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।